हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है कॉमर्शियल बैंक्स यानी कि वाणिज्यिक बैंक। इसके में सुनिए, बैंक एक ऐसी संस्था है जो अपने ग्राहकों के लिए धन संबंधी लेन देन के समस्त कार्य करती है। बैबस्टर शब्दकोश के अनुसार बैंक वह संस्था है जो द्रव्य में व्यवसाय करती है। एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहाँ धन का जमा संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा ऋण एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है। अब आते हैं भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 के अनुसार बैंक से अभिप्राय उस संस्था से है जो जनता से उधार देने अथवा विनियोग करने के लिए मुद्रा की जमा को स्वीकार करता है तथा जो मांग पर अथवा किसी अन्य प्रकार चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर आदि द्वारा दे होता है। फिंडले शिराज के अनुसार बैंकर वह व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी है जिसके पास कोई ऐसा व्यापारिक संस्थान है जहां मुद्रा अथवा करेंसी के जमा के द्वारा साख सृजित की जाती है। और यहां जमा को ड्राफ्ट, चेक अथवा ऑर्डर द्वारा भुगतान किया जाता है। यहां या जहां स्टॉक, बॉन्ड, धातुओं और विपत्रों के आधार पर ऋण दिया जाता है तथा विनिमय विपत्र तथा प्रतिज्ञा पत्र बट्टे पर स्वीकार किए जाते हैं। इस तरह आधुनिक बैंकों के कार्य विभिन्न प्रकार की जमाओं को स्वीकार करना, ऋणों, अग्रिमों, अधिविक्रों, ओवरड्राफ्ट्स तथा नगद साख के रूप में लोगों को उधार देना, विनिमय बिलों की पुनर्कटौती करना, प्रतिभूतियों में विनियोग करना, साख मुद्रा का सृजन करना, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करना, ग्राहकों के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना, धन का सुरक्षित हस्तांतरण करना, विदेशी विनिमय विपत्रों को स्वीकार करना, सरकार, सार्वजनिक संस्थाओं तथा निगमों द्वारा निर्गमित अंशों, ऋण पत्रों तथा प्रतिभूतियों का अभिगोपन, अंडरराइटिंग करना, मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा करना, समय समय पर आर्थिक आंकड़ों का संकलन करना तथा वित्तीय विषयों पर परामर्श देना आदि हैं। वाणिज्य बैंक, जिन्हें व्यापारिक बैंक अथवा व्यावसायिक बैंक भी कहते हैं, सामान्य बैंकिंग के कार्य करते हैं तथा व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करते हैं। चूंकि इन बैंकों की अधिकतर जमा राशियां अल्पकालीन होती हैं, अतः ये बैंक सामान्यतः एक वर्ष तक की अवधि का अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। व्यापारिक बैंक प्रायः संयुक्त स्कंध बैंक, ज्वाइंट स्टॉक बैंक होते हैं, अर्थात उनकी पूंजी अनेक देशों में बटी होती है और वे अंश अनेक व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा खरीदे गए होते हैं। भारत में इन मिश्रित पूंजी वाले बैंकों की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई है। यद्यपि भारतीय स्टेट बैंक व्यापारिक बैंक के अधिकांश कार्य करता है, फिर भी उसे मिश्रित पूंजी वाला बैंक नहीं कहा जाता है क्योंकि इसकी स्थापना भारतीय कंपनी एक्ट के अंतर्गत नहीं की गई है बल्कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत की गई है। भारत में वाणिज्यिक बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शासित एवं नियंत्रित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का नियमन एवं नियंत्रण करती है, जिसमें बैंकों की समस्त जमा, विनियोग एवं ऋण संबंधी नीति
एवं कार्यकलाप सम्मिलित होते हैं। वर्तमान समय में देश में वाणिज्यिक बैंकों की संरचना निम्न है। नंबर वन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। सुनिए इसमें, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर 1 जुलाई 1955 को की गई। अगस्त 1951 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त ग्रामीण शाख सर्वेक्षण समिति गोरवाला समिति ने 1954 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि इंपीरियल बैंक और देशी रियासतों से संबंधित 10 अन्य बैंकों को मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाए, जिसके आधे से अधिकांश सरकार के हों। गोरवाला समिति के सुझावों के आधार पर 16 अप्रैल 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना से संबंधित विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसके पास होने पर 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कर दी गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है। इसके अतिरिक्त इसके 13 प्रधान कार्यालय भी हैं। भारतीय स्टेट बैंक मूलतः एक वाणिज्यिक बैंक है जो आधुनिक वाणिज्यिक बैंकों के सभी कार्य करने के साथ साथ यह उन सभी स्थानों पर जहां रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यालय नहीं हैं, रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक की ओर से यह निकासी गृह क्लियरिंग हाउस का कार्य करता है, धन का हस्तांतरण करता है तथा समय समय पर रिजर्व बैंक द्वारा आदेशित अन्य कार्य भी करता है। स्टेट बैंक की स्थापना करते समय इसे ग्रामीण शाखा की व्यवस्था में सहायता देने और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग के विकास संबंधी कार्य भी सौंपे गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है। जून 2011 तक देश में भारतीय स्टेट बैंक समूह की 17,976 शाखाएं कार्यरत थी, जिसमें से 6,230 34.7% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थी। इस समूह के पास 30 जून 2011 को 10,07,042 करोड़ रुपए की जमा राशि थी तथा जिसने 7,39,606 करोड़ रुपए उधार दिए हैं। कुल बैंक जमाओं में भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों का हिस्सा 23.4% है। इस तरह सकल बैंक साख में SBI समूह का हिस्सा 23.8% है। इस तरह भारतीय स्टेट बैंक एक वाणिज्यिक बैंक होते हुए भी अपने कार्यों एवं उद्देश्यों के कारण देश की बैंकिंग व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा देश के सबसे बड़े वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहा है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के पश्चात देशी रियासतों के 8 बैंकों वर्तमान में 7, क्योंकि 1 जनवरी 1963 से स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर का एकीकरण हो गया को भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी के रूप में निम्नलिखित में कार्यरत हैं, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर। ये समस्त बैंक भारतीय स्टेट बैंक की नीतियों एवं मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुरूप कार्य करते हैं तथा देश की साख नीति का कार्यान्वित करते हैं। नंबर सेकंड आता है नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक। बैंकों को राष्ट्रीय नियोजन की मुख्य धारणा से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार ने 19 जुलाई 1969 को
14 व्यापारिक बैंकों जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण किया गया कर दिया। पुनः 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने 6 बड़े व्यापारिक बैंकों जिनकी जमाएं 200 करोड़ रुपए से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 20 से घटकर 19 रह गई, क्योंकि 4 सितंबर 1993 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया। वर्ष 1969 में देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल 4553 शाखाएं कार्यरत थीं। इन राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं 30 जून 2011 तक बढ़कर 44,862 हो गई, जिसमें से 14,325 31.9% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। जून 2009 तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 19,93,305 करोड़ रुपए की राशि जमा थी तथा इन बैंकों ने 14,17,121 करोड़ रुपए उधार दिए हैं। ये राष्ट्रीयकृत बैंक देश में एक शक्तिशाली बैंक, शक्तिशाली वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा देश की उदार आर्थिक नीति के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र के वित्तीयन में इन बैंकों की भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। देश के कुल बैंक जमाओं में राष्ट्रीयकृत बैंकों का हिस्सा 51% तथा सकल बैंक साख में इस ग्रुप का हिस्सा 50.6% है। नंबर 3 है न्यूली स्टेबलाइज्ड कॉमर्शियल बैंक्स, नवस्थापित वाणिज्यिक बैंक, इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।